मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुंब्रा के टीएमसी हॉस्पिटल जो हकीम अजमल खान हॉस्पिटल है, इसमें मौजूद है। दरअसल कुछ दिन पहले ही एक महिला की यहाँ पर मौत हुई थी। ये अब देखेंगे आप कि ये टीएमसी हॉस्पिटल का स्त्री रोग वार्ड है, बाल रुग्ण वार्ड है ये। और यहाँ पर आज जो है एसडीपीआई पार्टी की महिला विंग की तमाम महिलाएँ जो एक नई डॉक्टर नियुक्त की गई हैं उनसे मुलाकात के लिए आई थी। और जो महिला की जो मौत हुई थी, इन लोगों ने ठाणे महानगर पालिका के अधिकारी से हेड ऑफिस पे भी जाकर बातचीत की थी, वो भी खबर हमने आपको दिखाई थी। लेकिन आज यहाँ डॉक्टर से मुलाकात की गई, किस संदर्भ में मुलाकात की गई है, क्या बातचीत हुई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस महिला की मौत हुई थी उसके पति ने साफ तौर पर कहा था कि उसे सिर्फ इंसाफ चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अब ठंडे बस्ते में जाते हुए नज़र आ रहा है। एसडीपीआई पार्टी की महिला विंग की जो है तमाम यहाँ पर महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? शगुफ्ता सरफराज। आप लोग यहाँ पर आए थे, डॉक्टर से मुलाकात की है, क्या बातचीत हुई जो नई डॉक्टर नियुक्त की गई है उनसे मुलाकात? जी, हमने उनसे मुलाकात की है और उनको वेलकम करने के लेक्चर में आए थे हम लोग, क्योंकि वो न्यूली अपॉइंटेड हुई है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से बात की और उन्होंने कहा कि वो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं सब बात और हॉस्पिटल की। जी, वो डॉक्टर अश्विनी देशपांडे से हमने मुलाकात की जो अभी न्यूली अपॉइंट की गई हैं हॉस्पिटल में। फ़िलहाल वो एक ही गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ अवेलेबल हैं और उन्होंने कहा है बिल्कुल वो अपनी ज़िम्मेदारी बिल्कुल अच्छी तरीके से निभाएंगी। और पिछले दिनों जो हादसा हुआ वो उन डॉक्टर्स की गैर जिम्मेदारी की वजह से हुआ था और हॉस्पिटल स्टाफ की गैर जिम्मेदारी की वजह से हुआ था, बट आगे इंशाल्लाह ऐसे केसेस नहीं पेश आएंगे। एक ही डॉक्टर है? जी, गायनेकोलॉजिस्ट एक ही हैं, उसके अलावा अदर डॉक्टर्स हैं। वो कब तक यहाँ हॉस्पिटल में रहेंगे? जी, उनका जो ड्यूटी आवर्स है उनके अलावा 3 आरएमओ अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो जब वो नहीं रहेंगी तो आरएमओज रहेंगे। जो इस महिला की मौत हुई है उस महिला के परिवार का साफ कहना है कि उसे इंसाफ चाहिए, लेकिन तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो उनके घर भी गए, हॉस्पिटल पे भी आए, लेकिन उनका परिवार का ये कहना है कि इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिलता कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जो जिनके ऊपर लापरवाही का आरोप लग रहा है, दरअसल उनके ऊपर ऐसा मांग किया जा रहा था कि गुनाह दाखिल किया जाए, लेकिन सिर्फ निलंबित करके छोड़ दिया गया। देखिए, वुमेन इंडिया मूवमेंट, हम लोग पिछले दिनों गए थे टीएमसी ऑफिस और डिप्टी कमिश्नर सर से हमने मुलाकात की थी, उमेश बिरारी सर से, और उन्होंने कहा है कि उन लोगों को फ़िलहाल सस्पेंड किया गया है और उनके खिलाफ लीगल एक्शंस चल रहे हैं। कुछ ही दिनों में लीगल एक्शंस, जी, पूरी इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट होने के बाद लीगल एक्शंस उनके खिलाफ लिए जाएंगे। फ़िलहाल वो लोग सस्पेंडेड हैं और ड्राइवर को भी उन लोगों ने नोटिस इशू किया है, उनके खिलाफ भी एक्शन चल रहा है। और उसके अलावा क्या सवाल था आपका? जी, और हमने उनसे कॉम्पेंसेशन की बात की है, बिरारी सर से हमने कॉम्पेंसेशन की बात की फैमिली के लिए कि 25 लाख का कॉम्पेंसेशन दिया जाए और प्लस उनके हस्बैंड को गवर्नमेंट सर्विस दिया जाए। तो देखते हैं, इंतज़ार करते हैं जस्टिस। तो आगे कैसा फॉलोअप रहेगा इस मामले को लेकर? जी, हम फिर उस दिन तो डिप्टी कमिश्नर सर से मुलाकात हुई थी, हम फिर जाएंगे और कमिश्नर सर से मुलाकात करेंगे और उनके सामने भी हम अपनी बात रखेंगे। कितने दिन में उन्होंने कहा आपको कि ये इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी? कुछ अनुमान ऐसा उसका टाइम बताया? टाइम पीरियड कुछ नहीं बताया? नहीं, टाइम पीरियड तो नहीं बताया उन्होंने। इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी चल रही है, कब करेंगे एकदम एग्जैक्ट ऐसा कुछ डिटेल या टाइम पीरियड नहीं बताया गया हम लोगों को। तो अगर 6 महीना 1 साल में अगर नहीं होता है, 3 महीना 6 महीना 8 महीने में कुछ इसका रिजल्ट सामने नहीं आता है, तो आप लोग कैसे फॉलोअप करेंगे? हम लोग कुछ ही दिनों में फिर जा रहे हैं, कमिश्नर सर से मुलाकात करेंगे और हम उनसे डिटेल लेंगे कि कितने दिनों में एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि जब बताया नहीं गया है कुछ तो फिर तो इंक्वायरी चलते रहेगी सालों साल, 2 साल 3 साल। फिर जाएंगे हम, बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे, हम फिर जाएंगे, फिर बात रखेंगे अपनी और इस केस के पीछे हम। जो महिला की मौत हुई है वो भी आप लोगों की तरह एक महिला थी, आपके भी गोद में बच्चा है, उसने तो एक बच्चे को जन्म दिया और उसका चेहरा भी नहीं देख पाई वो। जी, बहुत दुखद हादसा है, वेरी अनफॉर्चुनेट डेट। तो हम इस केस को इसी तरह नहीं छोड़ेंगे, हम इसका फॉलोअप लेते रहेंगे, सर से मुलाकात करेंगे और जस्टिस विल बी सर्व्ड। तो आपने सुना कि जिस तरह से मनपा अधिकारी से इन लोगों ने मुलाकात की थी और उनके तरफ से भी कहा गया था कि जो लापरवाही जिसके ऊपर मिली है उसे सस्पेंड कर दिया गया, हटा दिया गया था, लेकिन परिवार जो पीड़ित परिवार था उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। लेकिन क्या मनपा इस पे एक्शन लेती है, क्या गुनाह दाखिल किया जाता है, ये सब जांच करने के बाद ही कहा जा रहा है कि किया जाएगा, लेकिन ये जांच कब पूरी होगी इसका भी कुछ पता नहीं है।